हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या फिर प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी, बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वानोवस्की। इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था, बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था चेचक का। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कौन सा कारण है, बताओ दोस्तों क्या उत्तर होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है, टीका रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली, बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। मूंगफली के द्वारा ही टिक्का रोग होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आत्सक, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आत्सक। आत्सक जो है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया, बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेचक। चेचक इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इन चारों ऑप्शन में से उत्तर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेरिया इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट या फिर प्रोटोजोआ, बताओ हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु है ना हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या फिर लाइकेन, बताओ निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते। तो किसमें एंजाइम नहीं होते, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिश, मम्स या फिर हाइड्रोफोबिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसका राइट उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों, सार्स क्या है? सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग सार्स है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? किसके कारण होता है? जैसे कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, या फिर शैवाल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा के कारण खसरा रोग होता है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। विषाणु के कारण ही खसरा संक्रमण होता है, वही कारण है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, या फिर विषाणु? बताओ दोस्तों, इसका राइट उत्तर क्या होगा? आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। विषाणु इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, या फिर ये सभी? बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। विषाणु के कारण ही ये रोग उत्पन्न होता है, फूट एंड माउथ। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, या फिर सेल्युलोज? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्युलोज। सेल्युलोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है तो ऑप्शन दिया है, लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, या फिर शैवालों से। तो केल्प किससे प्राप्त होता है दोस्तों, बताओ? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु, बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल जो होता है लाल सागर का लाल रंग उपस्थिति का कारण होता है, कौन? तो शैवाल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।